हेलो एंड नमस्कार गाइस, आप देख रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस कोर्स से टेलीग्राम चैनल से लाइव स्ट्रीमिंग। गाइस दोपहर की 1:30 हो रहे हैं और अभी हाल जस्ट अभी हाल में बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन फॉर टुमारो बना रहा हूँ सभी लोगों के लिए। हमारे व्हाट्सएप वीआईपी ग्रुप में ऑलरेडी 0 to 0 कॉल ऑप्शन ऑलरेडी शूट हो चुका है, अभी हाल शूट हो चुका है। मैं आप लोगों को ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ, मार्केट ऑल टाइम हाई आ सकता है। और वो क्यों आ सकता है इसके बारे में पूरा विश्लेषण बताऊंगा, वो भी कल ही के दिन आ सकता है। जी हाँ, और मार्केट बहुत बड़ा गैप अप ले सकता है, पूरा ले सकता है। तो मैं यहाँ पर पूरा डिटेलिंग बताऊंगा इसके बारे में। देखिए सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज नंबर वन, कि आज रात को यूएस फेड का आउटकम आएगा, यहाँ पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी होगी या नहीं होगी, यानी बढ़ोतरी नहीं हुई, जिस पर कहा जा रहा है कि 95% चांसेस है कि यहाँ पर बढ़ोतरी ना हो, तो जिसके कारण यूएस का जो मार्केट है अभी हाल वीकली चार्ट में बाय ऑलरेडी हमारे पास बाइंग का सिग्नल बना हुआ है। डेली चार्ट्स में ऑलरेडी बाइंग के सिग्नल बने हुए हैं, ध्यान से देख लीजिए ऊपर जा रहा है, एक दिन की एक कैंडल है ये पूरी। तो डाउ जोन्स बोल रहा है गोइंग्स टू बी अप साइड में ऊपर जाने के लिए तैयार हूं, तो अब यहाँ पर एक बड़ी तेजी बनने के लिए तैयार है मार्केट में। तो मुझे लगता है कि कल के दिन हमें एक बड़ा गैप अप देखने को मिल सकता है, बड़ी बात तो ये। दूसरी बात, 0 to 0 ऑप्शन भी दूंगा, अभी हाल ही दूंगा, इसी वीडियो में दे दूंगा, तुरंत मार्केट बंद हो जाने से पहले दे दूंगा आप लोगों को। मैं रिक्वेस्ट करता हूं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन करना, ताकि सही समय पर वीडियो मिल जाए। देखो आज सुबह से मॉर्निंग से हम लोग बोल रहे थे कि ओनली पुट ऑप्शन चलेगा, ओनली पुट ऑप्शन में कमाई होगी, और अब तुरंत अभी वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में भी बता देना चाहता हूँ। पेड मेंबर्स जो मेरे टेलीग्राम के मेंबर्स हैं, जो मेरे टेलीग्राम के स्टूडेंट्स हैं, या फिर मेरे जो स्टूडेंट्स मेंबर्स हैं, तो उन सभी लोगों को ऑलरेडी मैं यहाँ पे बता चुका हूँ। देखिए ब्रेकिंग न्यूज दे चुका हूँ, यहाँ पर मैं ऑलरेडी ब्रेकिंग न्यूज दे चुका हूँ कि मैं 0 to 0 ऑप्शन देने वाला हूँ दोपहर 3 बजे, ये पहले ही बोल चुका हूँ वहां पर। मैं 3 बजे दे चुका हूँ, मैं यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट में भी सिग्नल मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, कैसा होगा, इसके बारे में पूरी बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज, यूएस मार्केट में बड़ी तेजी होगी एंड जर्मनी का मार्केट गोइंग्स टू बी अपसाइड। 2 दिनों से कैंडल ऊपर जा रही है, पूरी तरीके से बुलिश मार्केट दिखाई दे रहे हैं, हमको भी तेजी करनी है। निफ्टी क्लियर कट एक व्यू दे रहा है मुझे, क्या व्यू दे रहा है ध्यान से देखिए आप लोग, एक बड़ी चीज बताने जा रहा हूँ आज आप लोगों को। वीकली चार्ट निफ्टी का बोल रहा है कि मैं ऊपर जाने के लिए तैयार हूँ, ऑल टाइम हाई क्रॉस करने के लिए हम तैयार हैं। तो ऑल टाइम हाई कल के दिन आ सकता है, हाँ बिल्कुल आ सकता है। तो पहला टारगेट नंबर वन निफ्टी के लिए, यदि आज आपने अभी हाल कॉल ऑप्शंस खरीदे हैं और उसको होल्ड करा, भी बैंक निफ्टी में खरीदा हो, निफ्टी में खरीदा हो या फाइनेंस निफ्टी में खरीदा हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, और जो मैं बताने वाला हूँ उसको कमेंट जरूर कर देना। तो यहाँ पर सबसे पहले कंडीशन नंबर वन कि कल के दिन के लिए, क्योंकि कल के दिन क्या है, थर्सडे एक्सपायरी है, और कल के दिन क्या है, आज रात को इवेंट भी है, तो कल मॉर्निंग में गैप अप प्लस 0 to 0 दोनों चीजें बनेगी। तो सबसे पहले चीज देखो निफ्टी का टारगेट क्या है, ऑल टाइम हाई का टारगेट लेंगे, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है। सबसे पहला गैप अप, आपको हो सकता है कि कल के दिन बड़ा गैप अप देखने को मिल जाए, और यदि कल के दिन गैप अप मिले तो करना क्या चाहिए, सबसे पहली कंडीशन नंबर वन देख सकते हैं। यदि मार्केट आज बड़ी तेजी लेने के लिए तैयार है और क्लोजिंग इस लेवल के आसपास क्लोजिंग करता है, मतलब 18,780 या फिर 800 के आसपास क्लोजिंग करता है, और तो आपको जब क्लोजिंग देने के बाद मार्केट सीधा गैप अप मिलता है 18,900 के करीब करीब मिलता है, गैप अप मिलता है 100 पॉइंट मिनिमम, तो आप लोगों को यहाँ पर इंतजार करना है कि 900 रुपए के लेवल के आसपास एक सपोर्टिंग बनती नजर आए और फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाते हुए नजर आए, तो मतलब एक बड़ी तेजी ऑलरेडी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, जिसके कारण यहाँ पर आज के डे लो का जो कॉल ऑप्शन है कौन से वाले हैं, एक तो 700 का है, तो यहाँ पर देखते हैं 18,700 की कॉल ऑप्शन ऑलरेडी बाइंग सिग्नल पे चल रही है, बाइंग सिग्नल पे चल रही है, ध्यान से देख सकते हैं। 62 रुपए का ऑप्शन अभी इस वक्त 89 चल रहा है, तकरीबन 62 का 89 चल रहा है, ऑलरेडी यहाँ पे ऊपर चल रहा है एंड ये ऊपर जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तकरीबन इसके जो टारगेट हो सकते हैं, तकरीबन 18,700 के जो टारगेट हो सकते हैं, यहाँ पर कल के दिन आपको 150 से लेकर 200 और 250 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 300 भी देखने को मिल सकते हैं एग्जैक्टली। एंड आगे बात करते हैं निफ्टी के लिए, तो निफ्टी में आगे के जो ऑप्शन है देखो, 18,000 यहाँ पर मैं 18,800 की कॉल के बारे में बात करता हूँ, तो यहाँ पर भी एक खरीदारी का रुझान है दिखाई दे रहा है, 20 रुपए का ऑप्शन है, 28 रुपए चल रहा है, क्लोजिंग आज तकरीबन 30-40 रुपए के आसपास तकरीबन यहाँ पे आराम से मिल जाएगी आप लोगों को। एंड कल के दिन गैप अप ओपनिंग में 60-70-80 तकरीबन 80-90 रुपए के आसपास का गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकता है, मतलब ये मैं चलने से पहले बोल रहा हूँ,
कि चलने के बाद तो हर कोई वीडियो बना के बोल देता है कि सर तेजी तो हो चुकी है, आज मार्केट बंद तो हो चुका है, हमने जो करना था पहले बता देते तो काम आ जाता। इसी बात पर रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन करना, क्योंकि हमारे वीडियोस मार्केट बंद हो जाने से पहले मिलेंगे आप लोगों को हमेशा। ओके, आगे बात करते हैं निफ्टी। अब बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं, बैंक निफ्टी में क्या बड़ी तेजी हो सकती है। फाइनेंस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में बात करते हैं तो देखो बैंक निफ्टी के अंदर कंसोलिडेशन अभी कंटिन्यूअसली चल रहा है, कंसोलिडेशन चल रहा है, सेलिंग का प्रेशर यहाँ पर गायब हो चुका है। तकरीबन दिखाई दे रहा है कि सेलर कोशिश तो कर रहा है नीचे जाने की बट जा नहीं पा रहा है, मतलब निचले स्तरों पर हैवी मात्रा में बायर है 43,884 के लेवल पर। तो यहाँ पर एक कॉल ऑप्शन रिकमेंडेशन आ रहा है 44,000 तकरीबन में, यहाँ पर कॉल ऑप्शन रिकमेंडेशन हो रहा है तकरीबन, देख लीजिए आज के डेलो से मतलब 44,000 का बात कर लेते हैं यहाँ पर हम, तो 44,000 की जो हमारी कॉल है उसको हम देख लेते हैं यहाँ पर एंड 44,000 की कॉल लगा लेते हैं स्क्रीन पर सबसे पहला काम, और उसके बाद जीरो टू हीरो बताते हैं बैंक निफ्टी। ओके, ये लाइव है ना गाइस, ये लाइव मार्केट का वीडियो है ये, कोई मैं आपको रिकॉर्ड करके नहीं दिखाना चाहता इसके लिए, क्योंकि मार्केट चले जाने के बाद तो हर कोई बोलता है कि सर चले गया ऊपर चले गया है ना। तो 44,000 का कॉल ऑप्शन, 5 मिनट के चार्ट के लेवल पर बाइंग का सिग्नल ऑलरेडी आ रहा है मेरे पास कि बाइंग करना चाहिए कल के दिन, एंड बड़ी तेजी मार्केट में, बड़ी तेजी बनने के लिए रेडी खड़ी है। देख लीजिए अभी चलने से पहले बोल रहा हूँ कि चल सकता है, रॉकेट हो सकता है एंड बैंक निफ्टी 174 से बाइंग का सिग्नल है एंड यहाँ पर इसको देख लो, मैं ऑलरेडी बाइंग का सिग्नल शूट कर रहा हूँ यहाँ पर एंड ये वीआईपी ग्रुप में जाके अभी हल शूट करने वाला हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में तुरंत ही, तो मैं शूट कर दिया, ये वीआईपी सिग्नल ग्रुप है हमारा फॉर द स्टूडेंट्स के लिए। एंड यहाँ पर जीरो टू हीरो के अलावा देखो आगे बात करते हैं, कल के दिन बैंक निफ्टी कह लिए मुझे क्लोजिंग जो दिखाई दे रही है तकरीबन आज की जो क्लोजिंग दिखाई देती है वो एग्जैक्टली यदि इसी लेवल के आसपास मिल जाए, मान लीजिए कि आज की क्लोजिंग जो कि हमको इस लेवल के आसपास मिल सकती है, देखो ऊपर स्तरों पर कवरिंग आ रही है, कवरिंग आने के लिए रेडी है मार्केट बिल्कुल, इस लेवल के आसपास की क्लोजिंग मिलती है एंड ओपनिंग तकरीबन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ तकरीबन हो सकता है कि 44,400 की ओपनिंग मिल जाए आप लोगों को, गैप अप ओपनिंग मिल जाए। सेकेंडरी बात करते हैं कि 400 के ऊपर यदि गैप अप ओपनिंग मिलती है तो वेरी वेरी गुड, मतलब कोई तकलीफ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑल टाइम हाई के ऊपर की गैप अप ओपनिंग मिलती है तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। यदि 400 के नीचे की गैप अप ओपनिंग मिलेगी तो क्या करना चाहिए, 400 के नीचे की मिलेगी तो मार्केट एक बार बैंक निफ्टी नीचे आने की कोशिश कर सकता है, सीधी सी बात बोलूंगा गैप फिलिंग करने की कोशिश कर सकता है या फिर वहां से धीरे धीरे करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो आप लोग क्या करना है, आज 44,000 की कॉल ऑप्शन जो कि मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ तो यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है पहली कंडीशन नंबर वन बीटीएसटी के लिए, और यहाँ पर ये टारगेट जो दिखा सकता है मुझे लगता है कि 200 रुपए से लेकर 240 रुपए तक के और 260 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में, एंड इसके ऊपर हो सकता है कि 44,500, 44,800 और तकरीबन 45,000 कल के दिन भी देखने को मिल सकता है। ओके, अब बात करते हैं जीरो टू हीरो ऑप्शन, निफ्टी का जीरो टू हीरो ऑप्शन। ओके, जीरो टू हीरो ऑप्शन देखो अभी मैं ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप में डाल चुका हूँ, कौन सा वाला देख लीजिए, निफ्टी का 18,900 का कॉल ऑप्शन, निफ्टी का 18,900 की कॉल ऑप्शन रिकमेंडेशन करी है मैंने, 3 रुपए 80 पैसे में 4 रुपए में बोला है कि खरीदारी करनी है जीरो या तो हीरो यहाँ पर पूरी तरीके से, तो ये मतलब 18,900 की कॉल ऑप्शन जो है अभी 4 रुपए चल रही है, देख लीजिए 4 रुपए चल रही है, लाइव चल रही है एंड यहाँ पर मुझे लगता है कि ये जीरो या तो हीरो, यहाँ से ये हो सकता है 100 रुपया हो जाएगी, 200 रुपया हो सकती है ये ऑप्शन, यहाँ सर देख लीजिए लाइव है ना, ये लाइव है, चलने से पहले बोल रहा हूँ तभी काम का है, नहीं तो चलने के बाद तो हर कोई बोलता है कि चल गया सर है ना। तो रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे बात करते हैं बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में जीरो टू हीरो क्या हो सकता है, बैंक निफ्टी का जीरो टू हीरो तो मेरे को लगता है कि 44,500 का लेवल देख लेते हैं हम लोगों ने यहाँ पर, क्योंकि 44,500 की कॉल ऑप्शन देख लेते हैं एंड इसको भी हम स्क्रीन पर लगा लेते हैं। जीरो टू हीरो में दो ऑप्शन रिकमेंडेशन करते हैं, देखो एक ये ऑप्शन होगा 23 रुपए का ऑप्शन है, मात्र 23 रुपीज का ऑप्शन है, या तो जीरो या तो हीरो कल के दिन, तो ये दो ऑप्शन मैं अपने अपने जीरो टू हीरो में देखो रिकमेंडेशन कर रहा हूँ, ऑलरेडी वीआईपी ग्रुप में डाल रहा हूँ, 44,500 की कॉल ऑप्शन वो भी 20 रुपए के भाव में, बाय ZERO जीरो टू हीरो। ओके, ये लाइव डाल रहा हूँ। ओके, बाय पर बीटीएसटी, ये दोनों जीरो टू हीरो डाल चुका हूँ यहाँ पर मैं, इसके अलावा इन द मनी भी डाल चुका हूँ, कितनी बड़ी तेजी हो सकती है। आगे बात करते हैं फिन निफ्टी के बारे में, फाइनेंस निफ्टी, तो यहाँ पर फाइनेंस निफ्टी क्या कर रहा है एग्जैक्टली इसके बारे में बात कर लेते हैं। फाइनेंस निफ्टी यहाँ पर भी तकरीबन मुझे एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर मजबूती दिखाई देती है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर की मजबूती दिखाई देती है, आवरली चार्ट और डेली चार्ट यहाँ पर भी कंसोलिडेट कर रहे हैं बुरी तरीके से,
बट निचले स्तरों पर रिकवरी है और ऊपरी स्तरों पर रेजिस्टेंस है, तो नीचे का 19,400 की कॉल ऑप्शन मुझे लगती बढ़िया लगता है एंड वहां पर एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो फिन निफ्टी में मैं 0 to 0 प्ले करना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा, तो मैं यहाँ पर 19,400 की कॉल ऑप्शन क्योंकि इन द मनी लेना ही पसंद करूंगा। यहाँ पर मैं 139 रुपए का भाव चल रहा है, यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है BTST के लिए, यहाँ पर भी इन द मनी के लिए। तो बैंक फिन निफ्टी का कॉल ऑप्शन रिकमेंडेशन करते हैं। फिन निफ्टी मुझे लगता है कि कल के दिन की ओपनिंग में भी पॉसिबिलिटी, आज के दिन की क्लोजिंग तो तकरीबन ये आसपास दिखा लेगा आपको, तकरीबन 19,500 के आसपास दिखा सकता है फाइनेंस निफ्टी, आसपास दिखा लेगा एंड ओपनिंग भी कई कई आसपास ही दिखाई देती, ज्यादा नहीं दिखाई देगी, मतलब ज्यादा नहीं, मतलब 19,575 के आसपास। एंड यदि ओपनिंग भी इसके आसपास भी होती है, कल के दिन की ओपनिंग भी इसी के आसपास होती है, तो थोड़ा सा कंसोलिडेट करने की, नीचे ही आने की कोशिश करेगा, फिर ऊपर जाने की, धीरे से जाने की कोशिश कर सकता है। तो कल के दिन फाइनेंस निफ्टी भी ऑल टाइम हाई लगाएगा, फिर वहां से 0 to 0 भी यहाँ पर प्लान होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि 19,600 की कॉल ऑप्शन और 700 की कॉल ऑप्शन हो सकती है कल दोपहर 2 बजे के बाद भागती हुई नजर आ जाए। तो गाइज चलने से पहले बोल रहा हूँ, 0 to 0 कौन सा वाला, 18,900 की कॉल ऑप्शन मात्र 4 रुपए 80 पैसे में। एंड बैंक निफ्टी की कॉल ऑप्शन जो है कि हमारी 0 to 0 की है, तकरीबन यहाँ पर 21 रुपए के भाव में चल रही है, इसको खरीदारी की जा सकती है 21 से 22 में, तकरीबन खरीदारी की जा सकती है। दो बैंक 0 to 0 इन द मनी, बैंक निफ्टी 44,000 की कॉल ऑप्शन जो कि खरीदारी की जा सकती है इन द मनी के लिए, बहुत ही बढ़िया रिटर्न ऑफ रेशियो मिल सकता है बैंक निफ्टी में। निफ्टी 18,700 की कॉल ऑप्शन, यदि इनमें से कोई भी कॉल ऑप्शन आप खरीदते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। तो थैंक यू, धन्यवाद गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना, रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को शेयर जरूर करना एंड वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू।